हेलो, स्वागत है आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल सुपर स्टिचिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बैक नेक डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो यहाँ मैंने मेन कपड़ा और एक अस्तर का कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े पर निशान लगाएंगे। मैंने एक लाइन खींच लिया है कपड़े को सीधा करने के लिए। तो यहाँ हमारी लंबाई है 13 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो 14 इंच पर निशान लगा देंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और हमारा शोल्डर है 6 इंच, तो 6 इंच पे निशान लगा देंगे। आर्म होल भी 6 इंच है, तो 6 इंच पे निशान लगा देंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। और चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच, तो 9 इंच पर निशान लगा देंगे। 1 इंच डॉट के लिए बढ़ा देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा देंगे। और कमर है 32 इंच, तो इस 32 इंच का चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच, तो 8 इंच पर निशान लगा देंगे 1 इंच एक्स्ट्रा डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ हम इस निशान को सीधा कर लेंगे और आर्म होल का शेप देने के लिए 1 इंच निशान लगा के इस निशान को राउंड शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। और अब हम मेन कपड़े पे भी इसकी कटिंग कर लेंगे। और हमारा गला होगा 3.25 इंच, तो यहाँ 3.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब मेन कपड़े पे अस्तर के कपड़े को रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ कटिंग हो गई है मेन कपड़े की और अस्तर की भी। तो अब हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए मैंने यहाँ बकरम ले लिया है। तो यहाँ गले की लंबाई होगी 11 इंच, आप अपने अनुसार जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और गले की चौड़ाई होगी 3.25 इंच, तो यहाँ मैंने 3.25 इंच पे एक निशान लगा दिया है और इस निशान को सीधा कर लेंगे दोनों तरफ से। एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम गले का डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 6.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है डिजाइन बनाने के लिए और इस निशान को हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। और यहाँ 4 इंच पे इसकी चौड़ाई होगी 4 इंच, तो यहाँ इस निशान को मिला देंगे राउंड शेप देते हुए और नीचे से कट डिजाइन बना देंगे। जैसा आप देख रहे हैं इसी के अनुसार आप डिजाइन बना सकते हैं। और 1-1 इंच का एक्स्ट्रा लेके निशान लगा देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये डिजाइन बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है, आप जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ मैंने बकरम को कट कर लिया है। अब हम बकरम को अस्तर के कपड़े पर रख के अच्छे से सेटिंग कर लेंगे। और इसके नीचे पहले हम मेन कपड़े को रख लेंगे और उसके बाद अस्तर के कपड़े को, फिर बकरम के डिजाइन को रख लेंगे। अब हम इस पर स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ हमारी कटिंग पूरी हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने अस्तर के ऊपर रख दिया है और अब हम इस पर स्टिच कर लेंगे। पहले बीच से स्टार्टिंग करेंगे ताकि कपड़ा बराबर भाग में स्टिच हो सके। तो यहाँ बकरम पे हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा उसके पास से सिलाई लगाना है। बकरम के ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ाना है।
दोनों तरफ से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे और बहुत ही सावधानी से स्टिच करना है ताकि डिज़ाइन ख़राब ना हो। अगर आप अलग से भी कपड़ा लगा के सिलना चाहते हैं तो सिल सकते हैं। मैं डायरेक्ट अस्तर के कपड़े पर रख के स्टिच किया है। अब हम और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए हम कटिंग कर लेंगे। और ये कटिंग करने के बाद और कट लगा देंगे बीच बीच में ताकि फोल्ड करने में आसानी होती है। यहाँ मैंने चारों तरफ से कट लगा दिया है। कट लगाने से आसानी से ये फोल्ड हो जाता है। तो अब हम इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो नीचे की तरफ पस्तर हो जाएगा और बीच में बकरम हो जाएगा और ऊपर हमारा मेन कपड़ा हो जाएगा। अच्छे से इसे पलट लेंगे हम और अच्छे से इसे सेटिंग कर लेंगे और प्रेस मार लेंगे। तो यहाँ मैंने प्रेस से सेटिंग कर ली है और अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। अच्छे से सेट करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ चारों तरफ से सिलाई लग गई है। अब हम इस पर लैस लगाएंगे। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए इस पर लैस लगाएंगे। ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लगता है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। हाफ इंच का मार्जिन देते हुए ही लगाना है। अगर आप चाहते हैं और पास से लगाना तो पास से भी एकदम लगा सकते हैं किनारे पे, लेकिन मैंने यहाँ हाफ इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच लगाया है। और डिज़ाइन के अनुसार ही लैस लगाते जाना है। जैसे डिज़ाइन की कटिंग है उसी के अनुसार लैस भी लगाते जाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। तो यहाँ मैंने चारों तरफ से लैस लगा दिया है। तो यहाँ लैस लग गया है और यहाँ डाट की भी सिलाई कर लेंगे। डाट को सिलते वक्त दो सिलाई ज़रूर लगा देनी चाहिए, इससे मजबूती रहती है। तो यहाँ दोनों तरफ डाट लग गया है। अब हम कमर पट्टी लगा देंगे नीचे के तरफ। 1.5 इंच का पट्टी काट के अस्तर के कपड़े में से यहाँ पट्टी लगा देंगे और पूरा सिलाई करते जाएंगे हाफ इंच का मार्जिन देते हुए। और इसे नीचे की तरफ मोड़ के ऊपर सिलाई लगा देंगे, इससे नीचे मोड़ने में आसानी रहती है। और फिर नीचे से मोड़ते हुए इसकी सिलाई लगा देंगे जैसा आप देख रहे हैं। तो यहाँ नीचे पट्टी लग गई है और यहाँ मैं एक और लैस हाफ इंच का मार्जिन देते हुए डबल लैस लगा दूंगी। अगर आप चाहें तो नहीं लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डबल लैस लगाया है, इससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। सेम उसी तरह लगाते जाएंगे, कटिंग के अनुसार ही लैस लगाते जाएंगे। तो यहाँ हमारी लैस लग गई है जैसा आप देख रहे हैं। ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगता है। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद आप सबका।